Assalamu alaikum. How are you all? Today I'm going to show you a very delicious, very yummy recipe with liver. Okay, I'm using this liver, or I can say kaleji, and all these ingredients are required. Very simple ingredients, and it's a very quick recipe. So note down the ingredients first. You need 1 teaspoon salt, or according to your taste, and this dry red chili, garlic cloves. I'm not going to peel this. I'm going to blend this. Okay, these two things I will blend it in a blender. Coriander leaves, one onion, and this two tomatoes. Okay, so let's start. First I'm going to blend this, and then I will marinate this liver kaleji with this mixture. Okay, and after that I will fry it. I'll cook it for 10 to 15 minutes, and then I will add all these in. यहाँ पर मैंने लहसुन और लाल मिर्चों को जो है ब्लेंड डाल दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे. अच्छा, मैं इसी के साथ जो है ना ये जो सॉल्ट आपको नज़र आ रहा है ना, ये भी इसी में ही डाल दूँगी. ये देखें, ये हो गया है, और अब मैं इसके अंदर ये मैंने डाल दिया. ठीक है, जितना पानी मैंने इसमें लिया था बस उसी से ये मैरिनेट होगी, उसके बाद इसे हम फ्राई कर लेंगे. ठीक है, और बाद में आखिर में ये सारे इंग्रेडिएंट्स जब ये पूरी अच्छे से भुन जाएगी, हो जाएगी, ये डालेंगे, और उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि ये कैसी बनी है. ये बहुत मज़ेदार बनती है, बहुत जल्दी से बन जाती है. इसे मैं थोड़ी देर के लिए इसी में छोड़ देती हूँ, उसके बाद इसे मैं फ्राई करूँगी. जी, तो अब हम इसे फ्राई करने लगे हैं. आप देख सकते हैं कि 20 से 25 मिनट इसको मैंने इसी तरह छोड़ दिया था, और अब जो है ये जो लहसुन और ये जो लाल मिर्च, खड़ी साबुत लाल मिर्च जो डाली हुई है इसके अंदर, इसी के पेस्ट में अब ये बनेगी. ठीक है, जितना पानी इसमें, पानी वानी इसमें नहीं डालते ऊपर से, बस इसी में ये पूरी पक जाएगी. देखें, जो मैंने पेस्ट बनाने के लिए इतनी ज़बरदस्त माशाल्लाह से खुशबू आना शुरू हो गई है कि बस लहसुन की तो बस बात ही कुछ और है. जिस खाने में डलता है खाना बहुत मज़ेदार हो जाता है. तो अब आप देखें, इस तरह इसको मैं ढककर पका लूँगी. बस जितना पानी मैंने पेस्ट के लिए इस्तेमाल किया था बस उतना ही पानी होगा, पानी नहीं जाएगा इसके अंदर. ठीक है, अब इस तरह इसको पकती रहेगी. लो फ्लेम पे इसको पका लेंगे थोड़ा, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखेंगे, ताकि ये अच्छे से गल जाए. चलें, ये हो जाती है तो दिखाती हूँ. जी, तो मैंने सोचा थोड़ा आपको इसका हाल भी दिखा दूँ कि क्या हो रहा है. इतनी खुशबू वाली किचन में मैं बता नहीं सकती, ये इतनी मज़ेदार बनती है ना, इतनी प्लेजेंट स्मेल है इसमें आ रही है. बस देखें, ये बन रही है ना अभी, इसको ऐसे ही जो है ना ढककर ऐसे पूरा भून लेंगे, अच्छे से पका लेंगे. अभी इसको और पकने देंगे. बस मेरा दिल चाह रहा है इसको ऐसे ही निकाल के खा लूँ, क्योंकि बहुत माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही है, पूरा किचन जो है ना. अब ये तो खुशबू तो आपको नहीं सुना सकती, लेकिन आप अपने घरों में बनाएंगे तो आप लोगों के घरों में भी बहुत खुशबू आएगी. तो अब ये होने दें, फिर दिखाती हूँ. जी, तो यहाँ आप देख सकते हैं इसको मैंने बहुत अच्छे से भून लिया है, और वैसे मैंने इसे टेस्ट भी करके ले लिया है, बहुत मज़े की बनी है. ठीक है, अब इसमें जो है ना ये बाकी के इन्ग्रीडियंट्स डाल दूँ. इसको पकाना नहीं है वैसे, सॉफ्ट करना है. ठीक है, ये बस थोड़ा सा सॉफ्ट होंगे, ये ग्रीन चिलीज है, और ये चले इसी में डाल देती. सही है, अब डाल दिए. आप इसका लुक देखिए कितना खूबसूरत आया है. बस अब जो है ना इसको मैं फिर से ढक कर रख दूँगी, ताकि जो है ये टमाटर और प्याज अपना पानी छोड़ दें, अपना जायका छोड़ दें. बस सब्जियों को जो है ना, ये टमाटर प्याज को सॉफ्ट हमने करना है, हल्का फुल्का नरम, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि कलेजी ऑलरेडी पक चुकी है हमारी. इसको मैंने ढक दिया, अब इसके बाद दिखाती हूँ थोड़ी देर बाद. ये आप देख सकते हैं, ये हमारी डन हो गई है. स्टोव को कर दूँगी मैं अब बंद, चूल्हा हो जाएगा बंद, और अब इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ. ये हमारी कलेजी रेडी है, खाने के लिए बिल्कुल तैयार है. जी, तो मैंने डिश आउट कर लिया है, और अब मैं इसको जो है ना खाने लगी हूँ. टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसी बनी है.
ये देखिए, बहुत ही मजेदार बनी है। आप लोग जरूर इसे ट्राई करिएगा। मैं तो ना अभी से खाना शुरू कर दिया, तो मैं जा रही हूँ इसे एंजॉय करने, और आप लोग जरूर इसे घर में ट्राई करिएगा और मुझे जरूर बताइएगा कि कैसी बनी है।